ए, काहे का पेपर दिमाग खराब कर डाला है? पेपर 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 सारा दिन करते रहते हैं, पेपर पेपर नाना पेपर दो नाना पेपर दो। अरे काहे का पेपर? हाँ बचपन में न्यूज पेपर बांटा है, अब साला ये वाला पेपर देते। अरे इतना बड़ा एक्टर बन गया हूँ, कोई इज्जत भी है लेकिन अच्छा है। गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग्स। आज सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और मैं अभी सोकर उठा हूँ और फाइनली मेरा लास्ट पेपर है कल, और कल के बाद मैं एकदम फ्री हो जाऊँगा यार। लिटरली माइंड का जो प्रेशर था ना, एग्ज़ाम प्रेशर एकदम दिमाग ख़राब कर दिया था, अब वो फाइनली ख़त्म होने वाला है और कल का भी पेपर आसान सा है। कल आसान सा आसान है, सब ख़त्म कर देंगे। बाकी अभी कल वाला जो पेपर था वो भी बहुत आसान था और बहुत ही अच्छा पेपर गया है, कोई उसमें वो नहीं है। सिर्फ मेरा ही नहीं, सभी लोगों का अच्छा गया, क्योंकि पेपर इतना आसान सा है यार, उसमें तुम खुद से भी बना के चीज़ें लिख सकते हो, खुद से ही चीज़ें लिख सकते हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी नॉलेज है, तुमने एक बार भी उस चीज़ को देखा है, तो तुम खुद से भी लिख सकते हो। बाकी पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कल हमारा आखिरी है। लेकिन यार एक चीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, प्रैक्टिकल की जो डेट है वो 27 से लेके 31 तारीख तक की आई है, और मैंने सोचा था यार हम प्रैक्टिकल जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, हम 29-30 में निकल लेंगे, बट क्या कर सकते हैं, अब 27 से 31 तक की डेट आ चुकी है। बट हमारा 3 दिन होगा, अब वो 3 दिन कौन सा है उसमें से, इस चीज़ की अभी डेट आना बाकी है, वो आ जाए फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। और बाकी यार क्रिसमस तो हमारा नॉर्मली आराम से घर पे सोएंगे, आप लोग इन्जॉय करिए, हमारा क्या, हम तो यहाँ ही है लखनऊ में अकेले, आराम से सोएंगे, मेरा वही क्रिसमस है, हम वैसे ही इन्जॉय करते हैं। और बाकी 25-26 तो यार रूम पे ही रहना है, कुछ काम है नहीं, तो चलते हैं कल के पेपर के लिए तैयारी कर लेते हैं। अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार पढ़ लेंगे। मीडिया रिसर्च का पेपर है, मीडिया रिसर्च का पेपर है, उसको चलते हैं पढ़ाई कर लेते हैं। और लेकिन उससे पहले यार फ्रेश हो लेते हैं, नहा लेते हैं, एकदम पता नहीं कैसे हुए हैं, चलते हैं नहाते हैं। और यार लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंडे पानी से नहाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है, सो हम पहले पानी गर्म करेंगे फिर हम नहाने जाएंगे, सो लेट्स गो। बैचलर लाइफ के भी अलग ही मज़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं आज, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें पानी गर्म कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म करके फिर मैं इस बकेट में डाल के जाऊँगा नहाने। सो हे गाइस, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट सोकर उठा हूँ, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ी चीज़ें पढ़ाई करने, क्योंकि मैं नहा धोकर उस टाइम पर मैं पढ़ाई करते करते फिर मैं सो गया था, और अभी उठा हूँ और अभी चलते हैं जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि कल पेपर है। रिवाइज करने के बाद फिर हम सो जाएंगे, आज खा पी कर कुछ, और मैं आपसे कल पेपर के बाद मुलाकात करूँगा, और एक बार हम सुबह भी मिलेंगे, फिर मैं आपसे कल पेपर के बारे में। सो हे गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, हम लोग हो चुके हैं तैयार, और आज हमारा पेपर है और अभी हम जा रहे हैं पेपर देने। मैं आपसे पेपर के जस्ट बाद मिलता हूँ, और आज मैं मोबाइल साथ में लेके जाऊँगा और मैं आपको BBD के भी दिखाऊँगा, BBD कैसा है और हमारा पेपर कहाँ पे होता है, मैं आपको सारी चीज़ें। बट हाँ, मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है, मैं आपको बाहर तक का दिखाऊँगा। मेरा पेपर यूनिवर्सिटी में होता है, तो यूनिवर्सिटी की मेरी पूरी बिल्डिंग है और बाहर की जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग पेपर देने आ चुके हैं और ये हमारे दोस्त हैं स्वप्निल, ये मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, ज़रा आप मिमिक्री करके दिखाइए इन आप दोस्तों को। आज यही मैं हूँ, आज यही तुम हो, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? हाय, पेपर किस चीज़ का है, पेपर बता दीजिए एक वो पेपर उनके। भाई पेपर की याद ना दिलाओ भाई, पेपर की याद ना दिलाओ। अरे पेपर तो बहुत आसान सा है, पेपर आसान होता है, रिजल्ट खराब हो जाता है ना, दिक्कत यही। आप उनकी स्टाइल में बता दीजिए, नाना पेटेकर की स्टाइल में आज पेपर है, काहे का पेपर दिमाग खराब कर डाला है? पेपर 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 सारा दिन करते रहते हैं, पेपर पेपर नाना पेपर दो नाना पेपर दो। अरे काहे का पेपर? हाँ
बचपन में न्यूज़पेपर बांटा है, अब साला ये वाला पेपर देते। अरे इतना बड़ा एक्टर बन गया हूँ, कोई इज्जत भी है लेकिन अच्छा है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे भाई साहब बहुत ही अच्छी मिमिक्री करते हैं और इनका एक स्टैंड अप कॉमेडी भी ये करते हैं। इनका चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो अभी इनका आपका वो कब है शो? कब है? 27 को इनका शो। कहाँ पे आप बता दीजिए? पत्रकारपुरम द कॉफ़ी पैलेट, पत्रकारपुरम कॉफ़ी पैलेट में इनका शो है और बिल्कुल फ्री है, आप लोग आइएगा और इनका स्टैंड अप ऑर्डर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब इतना तो सर गाइस करना पड़ता है, बाकी एंट्री आप फ्री करा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं 27 को इनके शो में। तो चलिए, और ब्लॉग वहाँ का भी मिलेगा आप लोग, हाँ वहाँ का भी ब्लॉग आप लोग को मिलेगा पूरा, और उसके बाद हम लोग खाना भी बनाएंगे उसका भी ब्लॉग मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो चलिए टाटा बाय बाय, अभी पेपर देने हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे पेपर के बाद। कैसा हुआ आप ये बताइए, आज का आज आखिरी पेपर था हमारा। केजरीवाल जी बताना चाहेंगे कुछ? पेपर भैया जो है पेपर में ऐसी की तैसी हो गई, मतलब पेपर आसान तो पेपर आया था मीडिया रिसर्च का, और पेपर भी बहुत आसान हो गया था। पेपर आसान था, आंसर बहुत डिफिकल्ट थे। सही नहीं, ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो आप ही लिख रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि गलत बात है, डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा। अरे सर जा रहे हैं आप, खराब हो गया भैया, समझ ही नहीं आया साला। मेरा तो भाई पेपर बहुत ही अच्छा गया और आज आखिरी पेपर, तो मेरा सारा पेपर अच्छा गया है, बस अब चलते हैं। ये डाल मत देना, मेरा पेपर बढ़िया गया है भाई, मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया है। मेरा भी बढ़िया गया है, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो तुम मजाक कर रहे थे, केजरीवाल केजरीवाल ऐसे ही बने हुए हैं, गया अच्छा है हमारा, बता रहे भाई। नहीं पूरे पेपर भर तो तुम सो रहे थे, आप देख रहे थे। हाँ पेपर भर सोए हुए थे सर, तुम ही तो पूछे भदौरिया भदौरिया चिल्ला रहे थे तुम, है नहीं तो आंसर पूछ रहे भदौरिया का ही नाम से। अब आप भदौरिया लगते हैं तो हम क्या करें उसमें, अभी आप बताइए। वो तो हमारी क्वालिफिकेशन है ना, तुमने उसमें क्या किया। अब तुम ये बताओ, अभी तुम झाड़ू वाले बने हो, झाड़ू मारो चलो, देखो रोड कितनी गंदी हुई पड़ी है, झाड़ू मारो है? झाड़ू देखिए प्रशासन ऐसे प्रशासन का काम है, प्रशासन काम नहीं कर रही है, ऐसे वोट नहीं मिल जाता है, झाड़ू मारना पड़ता है तब। हमें वोट चाहिए भी नहीं, हमें 6,000 दे दीजिए उसमें हमारा काम चल जाएगा। ये गलत बात, आपने गलत बात बोल दी है। फैमिली ब्लॉग ऐसे नहीं बोलते। 100 रुपए दे दिए चिकन बना लेंगे। चलिए वो तो बनना ही बनना है, हमारे दोस्त है, चिकन तो बनेगा ही बनेगा, क्या दिक्कत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और बने रहिए हमारे ब्लॉग में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नहीं रुकिए, हम बोल रहे हैं ना, हमें बोल रहे हैं। हाँ चलो पहले तो, अरे केजरीवाल है ना, केजरीवाल बने बड़े हो तुम पूरी तरीके से। आजा चलो खत्म करो। सो हे गाइस, हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट और आज आखिरी पेपर था और बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है, मज़ा आ गई आज पेपर देके, और बाकी लगभग सारे पेपर अच्छे हुए हैं। अब हमारे पास खाली मेरा 3 प्रैक्टिकल बचा हुआ है, जो कि 27 29 और 30 ये 3 दिन होने वाला है, और प्रैक्टिकल सारे बने बनाए हैं, खाली एक प्रैक्टिकल बचा है जिसको हमें बनाना है, कंप्लीट करना है, उसे हम बना के कंप्लीट कर लेंगे और प्रैक्टिकल दे के हम तुरंत निकलेंगे क्या कहते हैं घर के लिए। 30 को प्रैक्टिकल करते हुए 30 की शाम को ही हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए, और फिर वहाँ चल के प्लान करेंगे आगे का कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें वहाँ ही चल के प्लान होंगी। और इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय।